ये देखिए दिल्ली, क्योंकि मैं खुद दिल्ली की मेरी पैदाइश है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा घर है, मेरा गढ़ है, तो और वैसे भी दिल्ली भारत का एकदम मिडिल में दिल है और यहाँ के बहुत बढ़िया लगता है। खाने का तो बहुत ही सुकून है यहाँ, बहुत बढ़िया खाना मिलता है। मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, उनके घरों से खाना आ जाता है। फिर ऊपर ही सोने पे सुहागा वाली बात, मेरा जो डायरेक्टर है वो खाने का बहुत शौकीन है। हाँ, तो ये इनको खाने का बहुत शौक है, खिलाने का शौक है। एंड दिल्ली में आके बहुत मज़ा आता है। इट्स गुड, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, दोनों की फिल्में चलें और बहुत खूब चले। और छुट्टियों का दिन आ रहा है, 3-4 दिन लगातार एक हफ्ते के अंदर छुट्टी है, और फिर उसके अगले हफ्ते मुझे नहीं पता कोई और फिल्म आ रही है 19 तारीख को, पता है मुझे नहीं पता। खैर, काफ़ी मतलब दोनों की फिल्में चलें, बिकॉज इस वक्त इंडस्ट्री को ऐसे ही चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए। मेमोरेबल मोमेंट से ज़्यादा, आई कैन शेयर मेमोरेबल मेन्यू। That was the whole thing, the whole idea. जैसे आनंद साहब मेरे जो डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि फिल्म जो बनती है वो कॉन्वर्सेशन से बनती है। इनके मैं कई इंटरव्यू मेरे साथ बैठे हुए बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन से बनती है। और कॉन्वर्सेशन में अगर खाना भी लाजवाब हो तो कॉन्वर्सेशन का जवाब और लाजवाब और बन जाता है। तो वी हैव एक्चुअली हैड अ ग्रेट टाइम एवरी डे of our shooting this film, and also every day of our promotion of the film. We have never felt the feel of that we were doing some work. We always felt that it was a passion that we were doing. And मैं हमेशा मानते आया हूँ कि जो काम आपको passion लगे वो फिर काम नहीं, वो आपको दिल से ना आपके अच्छी चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाती है। एंड ये फिल्म भी एक बहुत ही प्योर फिल्म है। मेरे मैंने इतनी सारी फिल्में की हैं, मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, आगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहूँगा कि ये मेरी सबसे बेस्ट फिल्म है ऑफ माय करियर। जी, हम वैसे नहीं देखते, मुझे ये देखना है कि ग्लास जो है आधा फुल, मैं ये नहीं देखना चाहता आधा खाली। मैं ये क्लैश और इफेक्ट, कोई इफेक्ट दोनों की फिल्में चलनी चाहिए, दैट इज द सपोर्ट। सर, निशा फ्रॉम टीएनबी न्यूज़, सर आपकी मूवी फाइनली रिलीज हो रही है, कितनी एक्साइटमेंट है सर? जी, बहुत एक्साइटमेंट है। बड़े नाजुक से पाली हुई ये फिल्म है, बहुत प्यार से ये फिल्म को रखा है और बड़े प्यार से इस आदमी ने फिल्म बनाई है, मेरा दोस्त है और ये जादूगर आदमी है जिस हिसाब से इन्होंने ये फिल्म बनाई है। मैंने ये फिल्म देखी है, आज शायद आप लोग भी कई लोग देखेंगे। जब हम लोग पेंडेमिक से गुजरना शुरू किया था, तो हमारा पहला लॉकडाउन है, तो उस वक्त जब हम अपने घरों में सीमित हो गए थे ना, कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाए, और हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वक्त ज़्यादा बिताना शुरू कर दिया, तब मुझे खुद को ये लगा, और मुझे लगा हम जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे होंगे, उन्हें भी लगा होगा, कि कितने सालों में हम लोगों ने अपनी फैमिली को वो वक्त नहीं दिया जो बनता है। और उसका एज अ मेकर मेरे पे ये असर आया कि शायद हम लोगों ने ऐसी फिल्में भी नहीं दी जहाँ ये बोला जा सके कि आइए सह परिवार की फिल्म देखने चलते हैं, यू नो, कि पूरा एक पूरी की पूरी ये मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो ये बहुत बातें होती थी कि यार आज डैडी हमें पिक्चर दिखाने लेके जाएंगे, यू नो, वो बुकिंग पहले कर दी जाए। कुछ सालों तक चलता रहा, पर पिछले कुछ सालों में मैं ये डायरेक्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, हम लोगों ने पारिवारिक फिल्म का मतलब भी बदल दिया और पारिवारिक रहने भी नहीं दी फिल्मों। तो इस पेंडेमिक में मुझे ये लगा कि जब अगर अगर कुछ मैं कर सकता हूँ और एज अ डायरेक्टर मेरे को जो चीज़ करनी चाहिए
मुझे वो चीज़ दोबारा लानी चाहिए, जहाँ एक परिवार ये बोल सके कि आज शाम हम सब एक फिल्म देखने जा रहे हैं, वो फिल्म देखेंगे और उसके बाद बाहर खाना खाएंगे। तो ये जो वक्त बॉन्डिंग वाला है, ये मैं वापस लाने का था कि हम लोग ये कर पाएँ कि ऐसी फिल्म दें जो पूरा परिवार साथ देख सकें। आनंद का एक सवाल।